नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, और हम बात कर रहे हैं निष्ठा शर्मा की, हमारे साथ मौजूद है और आज सुल्तानपुर आई हुई है। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये कहाँ पर आई है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी दिस इंटरव्यू ऑन सुल्तानपुर टुडे, एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैं आज महल रिजॉर्ट सुल्तानपुर में परफॉर्म किया। मैंने आज इसकी ओपनिंग थी, उसको इनॉग्रेट भी किया मैंने, और फिर आज मेरा परफॉर्मेंस भी था। और इतना अच्छा लगता है ना अपने घर पे आके अपने फैमिली में। आई वाज इन मुंबई जब मुझे पता लगा कि मुझे यहाँ आना है, और फिर एक एक्साइटमेंट होती है अपने घर जाने की, एक एक्साइटमेंट होती है, वो खुशी मुझे इतनी थी। और जब मैं यहाँ आई मैंने देखा लोग इतने एक्साइटेड हैं और इतने खुश थे, और अपना यू नो एक फैमिली जैसा मुझे प्यार मिला आज यहाँ पे आके। महल रिजॉर्ट यहाँ पे एक ऐसा रिजॉर्ट खुला है जो फर्स्ट मुझे लगता है इतना बड़ा मैंशन टाइप्स खुला है, और यू नो इतना स्पेशियस है, इतना ब्यूटिफुली इसको एग्जीक्यूट किया गया है। आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस महल रिजॉर्ट, और जब आपको ही उसका यू नो अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको उसका इनॉग्रेशन करना है और आपको वहाँ परफॉर्म करना है, तो एक अलग ही यू नो एक एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस होती है। सो आई थिंक आई वाज रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट टुडे, एंड पीपल आर बुक क्रेजी, लाइक बहुत अच्छा ऑडियंस थी, बहुत अच्छे लोग थे, एंड बहुत मजा आया इतने दिन बाद अपने घर सुल्तानपुर आई यहाँ। तो ऐसे में जो यहाँ के ऑडियंस थे या फिर जो ये कहें कि जो यूथ थे, वो किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, कितना सपोर्टिव रहे आप? बिल्कुल, पहले क्या होता है ना कि यहाँ पे पहले लोग थोड़ा सा रहते हैं ऐसे आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय करने में, लेकिन मुझे पता है कि अपने घर वालों को कैसे उठाना है, कैसे उनके साथ है ना और एक एनर्जी बिल्डअप करना है। एंड क्रेजी क्राउड था, बहुत ही अच्छे लोग थे, सबने बहुत मजा किया। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि जितनी भी फीमेल जितनी भी लोग थे, वो लोग इतने मजा ले रहे थे गाने। मैंने झूमका गया भी गाया, कलरा मोहब्बत वाला गाया, तो वो सब गाने आपको पता है कितने आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं। और जब मैंने देखा कि फीमेल रिएक्शन इतने अच्छे, तो मुझे लगता है जितने मेल रिएक्शन थे उनको लगा भाई अब मुझे भी खड़े होकर डांस करने चाहिए, तो उनका भी वैसा रिएक्शन देखा। आई थिंक इट वॉज क्रेजी एंड इट वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था तो मैं फिर से अपने घर में परफॉर्म किया। आप कई बार बोले कि आप घर में हैं, तो फाइनली जो है किस तरीके से घर में जब आप रहते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है, जैसा कि आप अदर किसी सिटी में जाती हैं वहाँ परफॉर्मेंस करती हैं, तो घर में और अलग किसी शहर में उसका क्या डिफरेंस आपको? देखिए डिफरेंस ये होता है कि बाहर ऑफकोर्स जब आपको लोग यू नो आते हैं तो उनको पता होता है कि वो कौन सी सेलिब्रिटी को बुला रहे, तो उनको पता होता है, लेकिन एक जो होता है ना कि एक उनको अट्रैक्ट करने का जो एक तरीका होता है, यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ की ऑडियंस को कौन से गाने कब कहाँ पसंद आएंगे या कैसे मैं क्या करूँगी कि सब डांस करना और अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम जो भी गाएंगे उसका वही रिएक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे हमें नब्ज पकड़नी पड़ती है, वहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। सुल्तानपुर आई है तो सुल्तानपुर के लोगों के लिए कुछ ऐसी दो लाइन आप बोलेंगी जो यहाँ के लोगों को पसंद आई, या फिर आप देखें आपका फेवरेट यहाँ के लोगों के लिए? मैं क्या कहूँ कि मेरा घर है, और मुझे ये अच्छा लगता है कि आजकल मुझे देख करके जब मुझे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग आज मुझे मिले, उन्होंने बोला आपको देख के निष्ठा मैं अपने बच्चों को म्यूजिक लाइन में आगे बढ़ाने का यू नो एक स्टेप ले रहा हूँ। तो ये एक बहुत अलग चीज़ मुझे सुनने को मिलती है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे, हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा कुछ IAS PCS ऐसा कुछ बने, बट एक जो होता है ना कि म्यूजिक में भी लाइन है, म्यूजिक में भी करियर है, या फिर यू नो स्पोर्ट्स में भी करियर है, डांस में भी करियर है, वो शायद लोगों को जितना नहीं पता था, वो अब लोग मुझसे इंस्पिरेशन जब लेते हैं तो मुझे लगता है यार यस दिस इज अ स्टेप दैट आई हैव टू वॉक इन। और अभी रिसेंटली मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो मुझे एक ये लगता है कि मैं जहाँ जाती हूँ अगर मैं लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, इंस्पायर कर पाऊँ, तो शायद मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो यस, मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग यहाँ पे मोटिवेट हो रहे हैं, लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे बढ़ने को यू नो सपोर्ट कर रहे हैं, और उतना ही प्यार मुझे भी दे रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट माई घर, एंड आई एम सुपर हैप्पी कि मैं सुल्तानपुर आई और मुझे इतना अच्छा रिएक्शन मिला, और फिर से मैं बहुत ढेर सारे परफॉर्मेंसेस करूँगी। आई होप कि ऐसे मुझे आशीर्वाद मिला। एक और क्वेश्चन है कि सुल्तान आप इस मुकाम पर पहुंची हो, तो ऐसे में सुल्तानपुर जो आपका घर है उन लोगों का किस तरीके से सपोर्ट रहा आपको इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए? देखिए जो मेरे
मेरे म्यूजिक का जो मेरा ओरिजिन है वो मेरे पेरेंट्स के वजह से है। उन्होंने 25 इयर्स उनको हो गए उनके म्यूजिक करियर को, जो उन्होंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट यहाँ पे बिल्डअप किया, 25 इयर्स कंप्लीट हुए। म्यूजिक करियर में जो भी एक सपोर्ट रहा है, जो भी आशीर्वाद मिला है, जो भी सीख मिली है, वो मेरे पेरेंट्स से मिली है। एंड मैं जो करती हूँ, मतलब मैं म्यूजिक करती हूँ, है ना, तो उसका जो एक क्रेडिट है वो मैं अपने पेरेंट्स को ऑफकोर्स दूंगी। बट उसके बाद क्या होता है कि आप करते तो हो, बट आपको वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम जनता का होता है, क्योंकि आपको बहुत सारा होता है कि आपको लोग कितना प्यार दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तानपुर में सभी लोग एक जो उनका एक माइंडसेट है म्यूजिक को लेकर के या फिर मुझे लेकर के, वो एक नज़रिया बहुत बदला है। लोगों को भी पता लगा है कि यू नो एक निष्ठा शर्मा नाम की बच्ची है अभी, तो अब उससे इन लोगों ने एक अलग सेलिब्रिटी गेस्ट लिखने लगे हैं, जो एक यू नो एक्सपेंशन हुआ है। और मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब तक अपने घर का, अपने शहर का, अपने सुल्तानपुर का, अपने यू नो फैमिली में जब तक आपको प्यार नहीं मिलेगा, आप यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकते, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे पता है कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं, आप लोग हैं, आप सब मुझे सपोर्ट ही कर रहे हो, है ना, और वो करते भी रहेंगे आप, क्योंकि एक कनेक्शन होता है और वो हमारा बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, एंड वो हमेशा रहेगा। और अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग, मैं हमेशा कहती हूँ ये सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है और आप सब लोगों को ही मुझे सपोर्ट करना है, आप सब लोग को ही मुझे यू नो फिर आके कि आप ऐसे ही यू नो सुल्तानपुर टुडे का यू नो लेके आएंगे और मेरा इंटरव्यू करेंगे आए वो, तो फ्यूचर में हमें ऐसे भी बहुत कुछ काम करने हैं एंड आप लोग ऐसे ही मुझे आशीर्वाद करें। एक लास्ट और है कि सुल्तानपुर टुडे के माध्यम से आप चिल्ला सुल्तानपुर के जो टीनेजर हैं, आप उनको किस तरीके से कोई पॉजिटिव संदेश देना चाहें हमारे माध्यम से? मुझे लगता है कि जो भी यू नो यंगस्टर्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, क्योंकि यू नो बहुत सारी कभी कभी पाबंदियाँ होती है कि यू नो आपका अलग अलग दिमाग अलग अलग जगह पर जाता है, लेकिन एक चीज़ पर डट जाओ, एक चीज़ सोच लो, आपको म्यूज़िक करना है म्यूज़िक करो, डांस करना है डांस करो, पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स करना है स्पोर्ट्स करो, बट जो करो बहुत लगन से करो, बहुत मेहनत से करो, बिकॉज जब तक वो मेहनत आप नहीं करोगे ना, तब तक भगवान ना सब चीज़ देखते हैं, वो कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देते। और मुझे इस बात पर हमेशा से विश्वास है, मैंने वो देखा है। और एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, वो मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारे सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म, तो आप अपने जो भी आपका टैलेंट है उसको सोशल मीडिया पर दिखाओ, लोग आपको प्यार देने लगेंगे, धीरे धीरे करके आपकी एक अलग ही वो बन जाएगी। एंड सेल्फ बिलीव, सब कुछ एक तरफ है, दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, इसके ये आप भी कभी नहीं डिसाइड कर सकता कि आपको क्या करना है, जो आप हो वो आप हो, आपको सेल्फ बिलीव रखना है, अपने ऊपर यू नो एक कॉन्फिडेंस रखो, कोई कुछ भी करो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, एंड आई एम श्योर कि आप जो भी चाहते हो लाइफ में वो आपको जरूर अचीव होगा। वंस अगैन थैंक यू टू सुल्तानपुर टुडे फॉर हैविंग मी, आपको बहुत सारा थैंक यू, कैमरा मैन को बहुत सारा थैंक यू, आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए और फ्यूचर में हम और भी ढेर सारे इंटरव्यूज करें सारे व्यूअर्स को।